नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चुरू सभी विद्यार्थियों का स्वागत कर रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपने पिछले वीडियोस में सब कुछ आपने दिखा सुना और अब आपको इस वीडियो में जो आपका नया चैप्टर है कतार सिद्धांत, उसके कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनके ऊपर अपन विचार करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर अपन जो कतार सिद्धांत था उसके अंदर अपन ने जो आरंभिक कुछ बातें इसमें देखी थी कि भाई कतार सिद्धांत क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किस तरीके से उसका जो अनुशासन होता है उसके बारे में अपन ने देखा था, उसकी कुछ मान्यताएँ थी उसकी कतार सिद्धांत के लिए वो अपन ने देखी थी। अब हम उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस पर विचार करेंगे। ये डेफिनेशंस वो डेफिनेशंस हैं जो आपके कतार सिद्धांत या कतार प्रतिरूप को करते समय जो हम फेस करते हैं, जिनका सामना करते हैं या जो हमारे काम आती हैं, बार बार इनके वर्ड्स अपने सामने आते हैं। तो सबसे पहला एक शब्द आता है कस्टमर और अराइवल। कस्टमर और अराइवल क्या होता है, ये आपको शब्द बार बार यूज किया जाता है। कस्टमर शब्द यूज किया जाएगा या अराइवल शब्द, या हिंदी में इसको आगत या ग्राहक शब्द यूज किया जाएगा। तो ग्राहक की आगत क्या होता है, सीधी सी बात है, यदि आप कॉलेज में फॉर्म जमा कराने के लिए जाते हैं तो आप कॉलेज के ग्राहक हैं, आप कस्टमर हैं यानी ग्राहक हैं। आप अगर रेलवे स्टेशन पर टिकट विंडो पर जाते हैं टिकट कटाने के लिए तो आप रेलवे के ग्राहक हैं, यानी जो व्यक्ति या इकाई सेवा केंद्र पर सेवा लेने के लिए जाती है उसको हम ग्राहक या कस्टमर या उसको आगत या अराइवल कहते हैं। दूसरा सेवा केंद्र होता है, सेवा केंद्र वह स्थान होता है जहाँ पर की सेवा प्रदान की जाती है। तो जैसे कॉलेज की खिड़की हुई तो कॉलेज हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड का बुकिंग विंडो हुआ, या अगर नाई की दुकान पर जाते हैं तो शॉप हुआ, राशन की दुकान हुई, जहाँ पर सेवा लेने के लिए जाते हैं उसे हम सेवा केंद्र कहते हैं, सर्विस चैनल सर्विस सेंटर कहते हैं। तीसरा एक शब्द आता है वेटिंग लाइन, क्वी कतार, क्वी लेंथ, ये प्रतीक्षा कतार किसे कहते हैं। प्रतीक्षा कतार का मतलब क्या होता है, वो इकाइयाँ जो कि प्रतीक्षा यानी सेवा की प्रतीक्षा में होते हैं, सेवा के इंतजार में होती हैं, उन इकाइयों की संख्या को हम प्रतीक्षा कतार कहते हैं, प्रतीक्षा कतार का नाम देते हैं। एक शब्द आता है आगत, आपने देखा जो सेवा लेने के लिए आते हैं वो आगत हुई। आगत दर किसे कहते हैं, अराइवल रेट किसे कहते हैं। एक तो अराइवल शब्द होता है, अराइवल का मतलब जो व्यक्ति सेवा लेने के लिए आता है या इकाई आती है उसे अराइवल कहते हैं, लेकिन अराइवल रेट किसे कहते हैं। अराइवल रेट का मतलब होता है कि एक मिनट में कितने आते हैं, एक घंटे में कितने आते हैं, एक सेकेंड में कितने आते हैं। तो ये किसी प्रति इकाई समय के ऊपर, यानी प्रति इकाई समय के ऊपर जितनी इकाइयाँ आती हैं सेवा लेने के लिए उसे हम आगत दर कहते हैं, उसे लैम्बडा से व्यक्त करते हैं। और इसी तरीके से सेवा दर सर्विस रेट क्या होती है, प्रति इकाई जो समय होता है यानी समय की जो प्रति इकाई होती है उस इकाई के ऊपर आने जितने व्यक्तियों की सेवा दी जाती है उसे हम सर्विस रेट कहते हैं, सेवा दर कहते हैं। जितने व्यक्तियों की सेवा दी जाती है उसे सर्विस रेट कहा जाता है। एक घंटे में कितने की सेवा की जा रही है, एक मिनट में कितनी, एक सेकंड में कितनी, तो इसको हम म्यू से व्यक्त करते हैं, इसका जो संकेत होता है वो म्यू होता है। तो ये सेवा दर हुआ। हमेशा एक सिद्धांत होता है कि जो म्यू दर हो, म्यू जो होती है वो लैम्बडा से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी सेवा करने की दर आने वाले की दर की तुलना में ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए सेवा लेने के लिए व्यक्ति तो आते हैं 20, लेकिन सेवा करने वाले की क्षमता है वो 25 व्यक्तियों की सेवा कर सकता है एक घंटे में या एक दिन में। तो यहाँ पर उसकी सर्विस रेट 25 है, अराइवल रेट 20 है, तो वो निश्चित रूप से वो सेंटर ठीक चल पाएगा कि आने वाले को सबको सेवा मिलेगी। लेकिन यदि उससे उल्टा हो, सेवा करने की दर 20 हो, आने वाले 25 हो, तो लाइन लंबी लगेगी, व्यक्ति बिना सेवा लिए ही घर चले जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं होती। ये कतार सिद्धांत की अच्छी परिपाटी नहीं होती कि सेवा लिए बिना ही व्यक्ति घर चला जाए। तो यहाँ पर ये ज़रूरी होता है कतार सिद्धांत के अंदर, क्योंकि ये मान्यता में ही निहित है कि जो सेवा में आ गया, जो कतार में आ गया वो सेवा लेकर ही जाएगा, और ये तभी पॉसिबल है जबकि सेवा दर से सर्विस रेट जो है वो
जो आगत दर्शे यानी अराइवल रेट से सर्विस रेट ज़्यादा हो, नहीं तो फिर को कतार इतनी लंबी बनेगी कि वो कभी समाप्त तो नहीं होगी। नेक्स्ट इसका एक इम्पोर्टेंट आता है यूटिलाइजेशन रेशियो, उपयोगिता अनुपात। उपयोगिता अनुपात का सीधा सा एक ही संबंध है, जैसे मैंने अभी आपको बताया आते तो हैं 20, सेवा करते हैं 25 की करने की क्षमता है, तो इसका मतलब 25 की उसकी क्षमता है, 20 आ रहे हैं तो इसका मतलब कितना उपयोग हुआ, 20/25 × 100 यानी लेमडा पुन म्यू इंटू 100। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि अगर कोई सर्विस सेंटर जिसकी क्षमता है उसका 80% यूज हो रहा है, भाई 25 को वो काम कर सकता है सेवा, आ 20 ही रहे हैं तो 20/25 हुआ यूटिलाइजेशन, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं जितना भी टाइम है उस टाइम का जो यूज है वो कितना हुआ, 80% हुआ अगर 20/25 × करें तो। और दूसरे शब्दों में इसका एक नाम आता है अनुपयुक्त होने का अनुपात, या इसको आइडल रेशियो भी कहते हैं। कई बार कहता जाता है कि सेंटर टू बी आइडल, द रेशियो ऑफ सेंटर टू बी आइडल, कितने आइडल रहता है, कितना खाली बैठा रहता है, तो हम कह सकते हैं कि वो 20% भाग उसका खाली है सर्विस सेंटर का, क्योंकि वो 80% यूज हो रहा है तो इसका मतलब 20% खाली है, यानी 1-U, 1-U यूटिलाइजेशन रेशियो। हम ये भी कह सकते हैं कि उस सर्विस सेंटर पर जिस पर 20 आते हैं और 25 की सेवा कर सकते हैं तो वहां पर 20% टाइम में खाली बैठा रहता है सर्विस देने वाला व्यक्ति, 20% टाइम में वो खाली बैठा रहता है, 20% टाइम में वो खाली बैठा रहता है, 80% में ही वो बिजी रहता है, तो व्यस्त रहने का भी उसका रेशियो जो है वो तो अनुपात हुआ उपयोगिता का। खाली बैठे रहने का मतलब हुआ उसमें से 1-U, यानी 100 में से 80 माइनस किया तो 20%। तो ये जो है उपयोगिता अनुपात किसे कहते हैं, मतलब उपयोगिता अनुपात का सीधा सीधा से ये हुआ कि एक सेवा केंद्र की क्षमताओं का जितने प्रतिशत उपयोग होता है उसी को उपयोगिता अनुपात कहते हैं, और इसे हम λ/μ × 100 से व्यक्त करते हैं, या यू से इसको संकेत से व्यक्त करते हैं। व्यवस्था में आगतों की प्रत्याशित संख्या, इसको हम EN से व्यक्त करते हैं, यह एक्सपेक्टेड नंबर इन द सिस्टम है। एक्सपेक्टेड नंबर इन द सिस्टम का अभिप्राय क्या होता है कि किसी समय विशेष इकाई के अंदर एक सिस्टम में कितने व्यक्ति रहते हैं। सिस्टम में रहने का मतलब यहाँ पर यह है, जैसे मान लीजिए एक दिन भर में अगर कितनी भी जो मशीनें आ रही हैं ठीक होने के लिए, लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि हर दिन कितनी मशीनें सिस्टम में रहती हैं, सिस्टम में रहने का मतलब जो मशीनें बाहर इंतज़ार भी कर रही होती हैं और जिन मशीनों को ठीक भी किया जा रहा होता है, ये दोनों मिलाकर के सिस्टम बनता है। तो उन दोनों सिस्टम के अंदर यह कह दिया जाता है कि प्रतिदिन कितनी मशीनें सिस्टम में रहती हैं, तो वो नंबर जब पूछेगा तो उसे हम EN कहेंगे। और यदि ये पूछ लिया जाए कि कतार में कितनी प्रत्याशित संख्या रहती है अराइवल की, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रतिदिन या प्रति घंटे या प्रति मिनट कितनी संख्या एवरेज रूप से औसत रूप से कतार में खड़े रहते हैं व्यक्ति। भाई पर्टिकुलर कोई भी टाइम हुआ, जैसे मान लीजिए कतार लग रही है आ रहे हैं लोग, और जाकर के कोई कहे कि आप मुझे बताइए कि 10 से 11 के बीच में कितने व्यक्ति कतार के अंदर रहते हैं, तो एक घंटे का पूछ लिया, तो 10 से 11 बजे के बीच में आप देख लीजिए कि कितने व्यक्ति खड़े थे, तो वो टोटल नंबर ऑफ जो है वो कस्टमर सीधा वेटिंग हो गया, इंतज़ार में खड़े रहे, कितने व्यक्तियों को इंतज़ार करना पड़ा एक घंटे कितने व्यक्तियों को इंतज़ार करना पड़ा, ये प्रत्याशित समय कतार में हो गया, और कितने व्यक्तियों को इंतज़ार भी करना पड़ा और फिर सेवा भी लेनी पड़ी, उस वो संख्या कितनी है, तो उसके अंदर सेवा ले रही और इंतज़ार करने वाले दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये हो गया व्यवस्था का जो समय और इंतज़ार करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये संख्या है समय नहीं है। अब समय पर आते हैं अपन, जिसको हम ET से व्यक्त करते हैं, ऊपर EN था, ELQ था, फिर अपन ET पर आते हैं। ET का मतलब टोटल टाइम इन द सिस्टम। अब जब टोटल टाइम इन द सिस्टम अपन निकालते हैं तो वो टोटल टाइम इन द सिस्टम होता है किसी एक ग्राहक के निकास कितने समय बर्बाद हुआ, वो टोटल टाइम इन द सिस्टम। समय बर्बाद होने का अभिप्राय यह है कि जितने समय तक उसने उसको वेट करना पड़ा एक व्यक्ति को, एक ग्राहक के लिए है ये, यानी जब हम
ई एन निकालते हैं तो प्रति जितनी भी संख्या आती है वो संख्या लिख देते हैं, जैसे 10 व्यक्ति, आगे प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति मिनट लिखते हैं। इसी तरीके से ई एल क्यू निकालते हैं तो इतने व्यक्ति, इतनी इकाइयाँ, इतने ग्राहक, प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति मिनट लिखते हैं, प्रति सेकेंड लिखते हैं। लेकिन जब समय निकालना होता है तो हम कहते हैं, हमारा जवाब होता है इतना दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, लेकिन प्रति ग्राहक, प्रति व्यक्ति, प्रति इकाई, ये शब्द हम लिखते हैं आगे। तो अब यहाँ पर जैसे व्यवस्था में संख्या था, कतार में संख्या थी, वैसे ही व्यवस्था में समय कितना लगा, समय लगने का मतलब उसने वेट कितनी देर किया, फिर उसको कितनी देर उसको सर्विस लेने में लगी, इन दोनों को मिलाकर के हम टाइम इन द सिस्टम कहते हैं। और इस टाइम इन द सिस्टम को निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका ये होता है कि जो एक साधारण फॉर्मूला आगे अपन दिखाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यही निकला कि उसने टोटल समय उसका कितना लगा, इसको हम ETW से व्यक्त करते हैं। और इसी तरीके से ET से व्यक्त करते हैं। फिर आपको पूछता है कतार में कितना समय लगा, तो कतार में कितना समय लगा का मतलब ये है कि उसका वेटिंग वेटिंग में कितना समय बर्बाद हुआ, उसको हम कतार में समय लगने वाला समय कहते हैं। एक व्यक्ति को कितने देर वेट करना पड़ा, अगर किसी भी व्यक्ति को, जैसे हर व्यक्ति को सेवा मिल रही है मान लीजिए, तो एवरेज रूप से हर व्यक्ति का वेटिंग टाइम कितना रहता है, कितनी देर उसको इंतजार करना पड़ता है, वो उसको हम ETW से व्यक्त करते हैं। और ये समय प्रति व्यक्ति आएगा, जैसे एक व्यक्ति को 10 मिनट इंतजार करना पड़ा, 20 मिनट इंतजार करना पड़ा, या 1 घंटे इंतजार करना पड़ा, तो आगे हम लिख देंगे जैसे 20 मिनट प्रति व्यक्ति या प्रति ग्राहक इंतजार करना पड़ा, इसको ETW से व्यक्त करेंगे। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, उन सूत्रों के ऊपर अपन विचार करते हैं। ये सूत्र इस प्रकार से होते हैं, एक कतार एक सेवा केंद्र की स्थिति में एक पोजिशन बंटन होता है, और सेवा समय का बंटन जब चर घातांकीय बंटन होता है, तब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ये हमारा एक कतार और एक सेवा केंद्र के बारे में है, ये जो सूत्र अपन लिख रहे हैं। और इनमें हम ये मान के चलते हैं कि जो भी आगतें आती हैं वो पोजिशन बंटन को फॉलो करती हैं, और उनको जो सेवा दी जाती है वो चर घातांकीय बंटन यानी लेमडा, तो वो 1 अपॉन लेमडा, तो उसको हम मानते हुए जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं उनमें सबसे पहला महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है यूटिलाइजेशन रेशियो। यूटिलाइजेशन रेशियो का मतलब ये होता है कि कोई भी जो सेवा केंद्र है उसकी क्षमताओं का कितना उपयोग किया जा रहा है, तो हम इसके लिए लेमडा अपॉन म्यू का यूज करते हैं। इंटू 100 कर दें, नहीं कर दें तो वो पार्ट आ जाता है। जैसे 100 करेंगे कब, जब प्रतिशत पूछेगा, जब लेकिन यदि वो भाग पूछे, अगर वो भाग पूछे तो आप केवल लेमडा अपॉन म्यू कर दें, और अगर वो प्रतिशत पूछे तो इंटू 100 कर दें, और अगर वो ये पूछ ले कि क्या प्रायिकता है तो केवल लेमडा अपॉन म्यू करके उसको डिवाइड करके पॉइंट में व्यक्त कर दें। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो क्या पूछता है। वो फ्रैक्शन में पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, इसका मतलब कितना भाग हुआ, वो पूछ लेते हैं व्हाट परसेंटेज, तो आप परसेंटेज में कर दें, व्हाट प्रोबेबिलिटी, तो आप पॉइंट में व्यक्त कर दें। ये इसका जो है वो आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इस यूटिलाइजेशन रेशियो आपको किस कंडीशन में यूटिलाइजेशन रेशियो निकालना है, आपको अगर ये प्रश्नों का जवाब देना है तो आपको यूटिलाइजेशन रेशियो निकालना है। वो कहेगा कि सेवा केंद्र के प्रति उपयोगिता का अनुपात बताइए, उसके प्रयुक्त होने का अनुपात बताइए, उसके व्यस्त रहने का अनुपात बताइए, या व्यस्त रहने का प्रतिशत बताइए, तो आप जो है वो यूटिलाइजेशन रेशियो निकालेंगे। बीजी और यूटिलाइजेशन, ये आप उसके अनुपात निकालेंगे तो यू निकालेंगे। दूसरा, आते ही सेवा मिलने का अनुपात, आते ही सेवा कब मिलेगी, जब वो आते ही सेवा नए मिलने का, सॉरी आते ही सेवा नए मिलने का अनुपात पूछ ले, या नए मिलने का प्रतिशत, नए मिलने आते ही किसी व्यक्ति की आते ही सेवा कब नहीं मिलेगी, जब ऑलरेडी वो इंगेज्ड है, यानी ऑलरेडी वो यूटिलाइजेशन चल रहा है, यानी ऑलरेडी वो बिजी है, तो बिजी रहने का अनुपात ही हुआ। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर वो ये पूछ ले कि किसी भी सेवा केंद्र पर सेवा लेने हेतु तो कम से कम एक व्यक्ति के होने की क्या प्रायिकता है, तो अगर कम से कम एक व्यक्ति होगा तो वो लाइन में नहीं होगा, वो सेवा ले रहा होगा, तो नया जो व्यक्ति आएगा उसको वेट करना पड़ेगा। तो अगर कम से कम एक व्यक्ति होने की प्रायिकता पूछ ले तो भी हम यूटिलाइजेशन रेशियो निकालेंगे। अगर व्यस्त रहने का प्रतिशत पूछ ले तो भी हम ये निकालेंगे। और अगर वो ये पूछ ले कि आते ही सेवा नहीं मिलने की क्या प्रायिकता है, तो भी हम यूटिलाइजेशन रेशियो निकालेंगे।
अब उसकी बात आती है वन माइनस यू की, अनुपयुक्त रहने के अनुपात की, आइडल रहने के अनुपात की। तो यदि तीनों इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दूसरी तरीके से पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो हम वन माइनस यू निकालेंगे। वो क्या, जब किसी केंद्र सेवा केंद्र के प्रयुक्त न होने का अनुपात, उपयोगी न होने का अनुपात, उसके व्यस्त न रहने का अनुपात, या दूसरा प्रश्न पूछ ले कि किसी आते ही किसी व्यक्ति को सेवा मिलने का अनुपात। जब कोई आते ही व्यक्ति को सेवा तब मिलेगी जब वो सेंटर आइडल होगा, यानी वो खाली बैठा रहेगा। और वो खाली कब बैठा रहता है, जब वन माइनस यू होता है तो वो आइडल रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आते ही सेवा मिलने का जो अनुपात होगा वो वन माइनस यू को होगा। और तीसरा, किसी सेंटर के ऊपर जो सेवा केंद्र पर है सेवा लेने हेतु एक भी व्यक्ति के न होने की प्रायिकता, एक भी व्यक्ति के न होने की प्रायिकता, यानी जैसे कम से कम एक व्यक्ति होने की प्रायिकता है, तो हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, यानी यू निकालते हैं। लेकिन एक भी व्यक्ति के न होने की प्रायिकता का मतलब खाली बैठा है, तो वो वन माइनस यू करेंगे। तो इन तीन क्वेश्चंस का अगर आंसर लेना हो तो आपको यू और वन माइनस यू से काम मिलेंगे। तीसरा, इसका फॉर्मूला है व्यवस्था में आगतों की प्रत्याशित संख्या। अभी अपन ने ऊपर देखा था कि EN, ELQ, ET, ETW ये चार तरीके के महत्वपूर्ण फॉर्मूले इसके अंतर्गत होते हैं। एक यूटिलाइजेशन रेशियो, देखिए पांच तरीके के जो इसमें फॉर्मूले होते हैं ये मोस्टली यूज होते हैं। तो इसमें ये जो व्यवस्था में संख्या होती है उसका हमारा फॉर्मूला है लेमडा पोन न्यूमैनिस लेमडा, जिसको EN कहते हैं। और यदि कतार में संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम कतार में संख्या के लिए लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा से निकालते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, जब संख्या निकालनी होती है तो हम आगे संख्या ही लिखते हैं कि इतने व्यक्ति, इतने ग्राहक, और प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति मिनट लिखते हैं। और जैसे देखिए आगे समय जब निकालना होता है तो समय का आंसर किस में आएगा, दिन में आएगा, घंटे में आएगा, मिनट में आएगा। तो समय, दिन, घंटा, मिनट लिखेंगे, लेकिन आगे हम लिखेंगे प्रति ग्राहक, प्रति व्यक्ति, प्रति इकाई। ये शब्द लिखने जरूरी हैं, इससे बहुत बड़ा इसमें रहस्य छुपा हुआ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो प्रतीक्षा का समय हम निकालने का, टोटल समय जो है वो निकालेंगे तो वन अपन ईटी होता है। ईटी का मतलब वन अपन म्यू माइनस लैम्ब्डा होता है, उसको हम ईटी कहते हैं। एक्सपेक्टेड टाइम इन द सिस्टम होता है, यानी एक इकाई को कितना समय लगा वेटिंग प्लस गेटिंग सर्विस, वेटिंग प्लस गेटिंग सर्विस में उसको कितना समय लगा, वो टोटल टाइम इन द सिस्टम है। वो समय दिन में आएगा, घंटे में आएगा, मिनट में आएगा, लेकिन आगे प्रति व्यक्ति, प्रति ग्राहक आएगा। प्रतीक्षा में समय निकालेंगे तो लेमडा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा लिखेंगे। और ऐसी इसी प्रकार से इतना समय जो है दिन, घंटे, मिनट में आएगा, और प्रति व्यक्ति, प्रति ग्राहक आएगा। तो ये जो छह फॉर्मूले हुए यूटिलाइजेशन रेशियो वाला, फिर इसके बाद में ये चार, नंबर इन द सिस्टम, नंबर इन वेटिंग, टाइम इन द सिस्टम, टाइम इन वेटिंग, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो देखिए कि जब टोटल नंबर इन द सिस्टम और टोटल टाइम इन द सिस्टम देखेंगे तो आपको एक से ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे, थोड़ा सा फर्क है EN और ET में, यानी टोटल सिस्टम में। तो EN और ET में थोड़ा सा फर्क है, लैम्ब्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्ब्डा है और टाइम में वन अपॉन म्यू माइनस लैम्ब्डा है। फिर जब आप नंबर इन द वेटिंग और नंबर इन द वेटिंग इन द सिस्टम और नंबर इन द वेटिंग और टाइम इन द वेटिंग देखेंगे, यानी नंबर इन वेटिंग एंड टाइम इन वेटिंग देखेंगे, तो भी आपको एक सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए जैसे नंबर इन वेटिंग है वो लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा है, लेकिन टाइम इन वेटिंग है वो देखिए लेमडा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा है, तो एक जैसा एक स्क्वायर का फर्क है, उसमें भी एक जैसा ही फर्क है, केवल एक ऊपर वन है उसमें लेमडा ऊपर है। तो एक छोटा फॉर्मूला होता है, एक बड़ा फॉर्मूला होता है। छोटे फॉर्मूले, दोनों जो फॉर्मूले छोटे होते हैं वो संख्या और समय के होते हैं, किसमें, सिस्टम में। लेकिन जब बात वेटिंग वाले में आती है तो वेटिंग की संख्या और वेटिंग के समय के फॉर्मूले बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। तो ये वेटिंग वाला का और टोटल सिस्टम का ये थोड़ा फर्क है, सिस्टम में छोटा होगा फॉर्मूला, वेटिंग का थोड़ा बड़ा होगा, ये आप ध्यान में रख लें इस तरीके से, थोड़ा याद रखने के हिसाब से। अब देखिए कुछ ऐसे और फॉर्मूले होते हैं, जैसे व्यवस्था में के से अधिक व्यक्ति होने की प्रायिकता, व्यवस्था में के या अधिक होने की प्रायिकता, व्यवस्था में के से अधिक, व्यवस्था में के या अधिक ग्राहक होने की, व्यवस्था में के से अधिक होने की, और कतार में के या अधिक होने की, ग्राहक होने की प्रायिकता। ये तीन प्रायिकताओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखिए प्रायिकता शब्द जहाँ भी आ जाता है, कई प्रकार के प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक तो मैंने ऊपर आपका मेंशन किया कि किसी एक भी व्यक्ति के न होने की प्रायिकता,
एक भी व्यक्ति के न होने की प्रायिकता करेंगे तो वन माइनस यू कर देंगे, व्यस्त रहने की प्रायिकता पूछ लेगा तो यू कर देंगे, आते ही सेवा न मिलने की प्रायिकता शब्द यूज कर लेगा तो यू कर लेंगे, और आते ही सेवा मिलने की प्रायिकता पूछ लेगा तो वन माइनस यू कर लेंगे। तो एक तो सीधे सीधे ये वर्ड होता है सेवा मिलने की प्रायिकता। अब आती है कि आपको संख्या बता दे कि व्यवस्था में पांच या अधिक व्यक्ति होने की प्रायिकता, व्यवस्था में पांच से अधिक होने की प्रायिकता, और व्यवस्था में एग्जैक्ट पांच व्यक्ति होने की प्रायिकता। ये तीनों चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा कतार में भी पूछा जा सकता है कि पांच या अधिक व्यक्ति होने की क्या प्रायिकता है। तो ऐसी डिफरेंट सिचुएशन के अनुसार आपको प्रायिकताएं पूछी जाएंगी। तो प्रायिकता वाली बात यह, अगर के या अधिक आ गया तो चूंकि अपन ने ऊपर देखा था कि अपन लैम्डा अपॉन म्यू की घात अपन ने किया था कि भी अपन जब कैलकुलेट करते हैं तो वन माइनस लैम्डा अपॉन म्यू की घात के या म्यू करते हैं, सॉरी यू करते हैं या केवल यू कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उन दोनों में आपको लैम्डा अपॉन म्यू तो आपको लिखना ही पड़ता है। तो हम यहाँ पर अगर के या अधिक व्यक्ति होने की प्रायिकता है तो हम लैम्डा अपॉन म्यू की घात के करेंगे, लेकिन यदि के से अधिक की प्रायिकता पूछ लेता है सिस्टम में तो लैम्डा अपॉन म्यू की घात के प्लस वन करेंगे, से अधिक आते ही प्लस वन कर देंगे। और यदि वो कहे कि कतार में व्यक्तियों के होने की प्रायिकता पूछ ली आपको के अधिक की, तो हम ऐसी स्थिति में भी के प्लस वन करेंगे। कतार में के अधिक होने की प्रायिकता का मतलब सिस्टम में उससे एक अधिक होगा, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सेवा ले रहा होगा। तो जैसे कतार में आपको पूछ लिया कि पांच या अधिक व्यक्ति होने की क्या प्रायिकता है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि छह व्यक्ति होने की प्रायिकता, तो ऊपर घात छह लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कतार में व्यक्ति होने की प्रायिकता का मतलब सिस्टम में उससे एक अधिक होगा। एक व्यक्ति कतार में पांच या अधिक होने का मतलब सिस्टम में छह या अधिक होने की प्रायिकता, तो हम उसके ऊपर जो घात लगाएंगे उसके ऊपर वो कितने का लगाएंगे, छह का लगाएंगे। तो अगर व्यवस्था की पूछ लिया पांच या अधिक तो पांच, व्यवस्था के पांच से अधिक पूछ लिया तो छह, और यदि कतार में पांच या अधिक पूछ लिया तो भी छह हो गया, यानी के से एक अधिक हो गया। ये बात यहां पर हो गई। और अगर आपको एग्जैक्ट पांच का पूछे तो आगे अपनी फॉर्मूला जो है वो एग्जैक्ट वाला भी आपको बताया हुआ है। जैसे ये वाला है, इसमें ये पूछ लिया कि मान लो किसी निश्चित समय टी के ऊपर उसने कह दिया कि एग्जैक्ट व्यक्ति पांच होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल फिक्स पांच ही व्यक्ति होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब अपने अपने समय क्या देखा था, या अधिक होने की, या अधिक से अधिक होने की, लेकिन एग्जैक्ट पांच होने की प्रोबेबिलिटी पूछ ले कि उस सिस्टम के अंदर जो किसी निश्चित समय के ऊपर पांच व्यक्ति होंगे, कि 10 बजे या 1 से 10 से 11 बजे के बीच में पांच व्यक्ति ही होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक निश्चित संख्या अगर आपको दे दी जाए तो हम ये कहता है कि फॉर्मूला अपन को लैम्डा अपॉन म्यू की घात के या एन, यहाँ पर एन शब्द ले लिया, लैम्डा अपॉन म्यू की घात एन फिर इंटू वन माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला आपको रखना होगा। एग्जैक्ट संख्या है उसकी प्रायिकता निकालनी हो तो हमें ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूले आपके प्रायिकताओं से रिलेटेड होंगे और कुछ फार्मूले आपको नंबर से रिलेटेड होंगे, कुछ फॉर्मूले आपके टाइम से रिलेटेड होंगे। तो ये आपको कैटेगरी देखते पता लग जाएगा कि वो टाइम वाले पूछ रहा है या प्रोबेबिलिटी वाले पूछ रहा है या संख्या वाले पूछ रहा है। तो जैसे क्वेश्चंस में जैसी इंफॉर्मेशन आपको पूछे, आपको उसी तरीके से आपको उसका उत्तर देना होता है। तो ये जैसे अपन ने कहा, ये मैंने आपको सारी बात स्पष्ट कर दी है कि भाई पाँच या अधिक, पाँच से अधिक, एग्जैक्ट पाँच, तो हम किस तरीके से फॉर्मूला काम में लेते हैं। एक इसके अंदर फॉर्मूला जो है वो दो फॉर्मूले आपको और मेंशन किए गए हैं। एक कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई रिक्त कतार की औसत लंबाई क्या है या समय समय पर बनने वाली कतार की लंबाई क्या है। यानी एक ऐसी कतार है वो टाइम टू टाइम ये बनती रही है, जैसे 20 व्यक्ति कतार में बार बार 20 व्यक्ति कतार में आ रहे हैं, तो ये जो बार बार बनने वाली कतार की लंबाई होती है उसको हम म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा निकालते हैं, यानी एवरेज लेंथ ऑफ, शब्द है नॉन एम्प्टी क्यू या वेटिंग लाइन टाइम टू टाइम टू बी फॉर्म टाइम टू टाइम। तो शब्द जो है वो इस तरीके का होगा कि भी बार बार बनने वाली कतार की लंबाई, यानी बार बार उतनी संख्या कतार बन रही है, इतनी लंबी बार बार आ रही है कतार, ये जो टाइम टू टाइम बन रही है, या वो नॉन एम्प्टी कभी समाप्त नहीं होने वाली कतार बन रही है, तो उसकी औसत लंबाई क्या होगी। तो यहाँ मतलब इसका ये हो जाएगा कि वो जो नंबर आएगा वो अगर कतार के अंदर बार बार आ रही है, उतनी कतार बन रही है, इसका मतलब वो कतार खत्म नहीं होगी कभी, वो नॉन एम्प्टी क्यू बनेगी।
उतनी संख्या रहने का मतलब वो कतार खत्म नहीं होने वाली या नॉन एम्प्टी क्वी कहलाएगी, वो संख्या ज्यादा होती है इसलिए वो कतार कभी खत्म नहीं होती है। तो म्यू अपॉन म्यू माइनस लेमडा से उसको निकाल लेते हैं। और एक शब्द आता है कि औसत रूप से उसको कितना वेट करना पड़ा। ये एक्चुअल में किसी भी जो आने वाली इकाई का जो एवरेज वेटिंग टाइम हु हैज एक्चुअली वेटेड। अब यहाँ शब्द एक केवल टेक्निकल शब्द का डिफरेंस है। हु हैज एक्चुअली वेटेड से हमें ये लग रहा है कि वेटिंग टाइम ही पूछ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब एक्चुअल वेटेड टाइम उसका देखा जाए तो कुछ समय इंतजार में लगा, कुछ समय उसको सेवा लेने में लगा। तो यहाँ हु हैज एक्चुअली वेटेड मीन्स ये क्या, द टोटल टाइम स्पेंट इन द सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड वन अपॉन म्यू माइनस लेमडा। ये बात आप उदाहरण में भी, तो एक्चुअल में अगर वो पूछ ले कि हु हैज एक्चुअली वेटेड, हु हैज टू वेट, जिसको कितना इंतजार करना पड़ा, दैट मीन्स टोटल टाइम इन द सिस्टम, नहीं कि वेटिंग टाइम। अब लगने में आपको लगता है कि जैसे वेटिंग टाइम की बात है, लेकिन ये टाइम यहां पर क्या कहलाएगा, टोटल टाइम इन द सिस्टम हो जाएगा। तो ये हु हैज टू वेट, हु हैज एक्चुअली वेटेड, तो हम वन माइनस वन माइनस लेमडा करेंगे, और वो एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्वी फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो हम लेमडा म्यू अपॉन म्यू माइनस लेमडा करेंगे। तो ये अलग अलग सिचुएशन के अनुसार अलग अलग फॉर्मूले अपने को यूज करने पड़ते हैं। कुल मिलाकर के ये जो मैंने आपको कहा कि पांच या छह फॉर्मूले जो होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर प्रायिकता में कोई बात ही नहीं है। पांच या अधिक है तो पांच कर दिया, छह या अधिक है तो छह कर दिया, से अधिक है तो एक प्लस करके कर दिया, कतार में है तो एक प्लस करके कर दिया, एग्जैक्ट वाला है तो उसका फॉर्मूला अलग है कि एग्जैक्ट पांच होने की, एग्जैक्ट तीन होने की। कई बार ये कहता है कि कम से कम तीन होने की, तो इसका मतलब तीन या अधिक होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। कम से कम चार होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब चार या अधिक होने की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो इसका ऊपर घात चार की लगा देंगे, तीन या अधिक है तो तीन की लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है वो प्रोबेबिलिटी वाली कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान में रखने की है। आज के इस व्याख्यान में अपन इतना ही कुछ समझेंगे। अपने इसमें समझ लिया कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझ ली, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझ लिए, जिन फॉर्मूलों को अपन यूज करते हुए आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अपन लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।